हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा जो पर्सनल हेयर केयर रूटीन क्या है, मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और बहुत सालों से जो मैंने रूटीन अपना रखा है अपने हेयर के लिए, वो कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी आपको। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ होती है ऑयलिंग, जो आई थिंक सभी को करना चाहिए। ऑयलिंग स्किप नहीं करना चाहिए। ऑयलिंग से क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ही हाइड्रेट हो जाते हैं, जो कि आप जब बाहर जाते हो तो जो भी ड्राइनेस होती है वो ऑयलिंग से दूर हो जाती है। तो वंस और ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए। और हैवी ऑयल करने से क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, और क्या होता है कि जब आप दूसरे दिन बाल धोते हैं तो शैम्पू से ईजिली जाता नहीं है, तो उससे आप एक्स्ट्रा शैम्पू यूज़ करते हैं और उससे बाल आपके और ड्राई हो जाते हैं। इससे बेस्ट है कि आप ऑयलिंग करो, बट हैवी ऑयलिंग नहीं, इतना करो कि आपके बाल अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं। एंड सबसे बेस्ट टाइमिंग ऑयलिंग का होता है रात में करिए, ओवरनाइट आप बस सो जाइए और मॉर्निंग में आप धो लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। मैं कोकोनट ऑयल बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, और कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स मिक्स नहीं होते, ये प्योर होता है। सो इट इज़ बेस्ट टू यूज़ कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल अगर आप बालों में यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे जो साउथ इंडियंस होते हैं वो ज़्यादातर कोकोनट ऑयल बालों में और खाने में भी, इवन कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो उनके बाल बहुत काले और स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल वो यूज़ करते हैं। इसीलिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। मैं बहुत सालों से ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था कि मैंने कैस्टर ऑयल और एलमंड ऑयल भी यूज़ किया था। एलमंड ऑयल जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है बालों के लिए। अगर कोकोनट ऑयल आपको बहुत ही ज़्यादा स्टिकी लगता है तो आप आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल को भी, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक होता है इसलिए थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत प्योर होता है। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके ऑयल में कोई केमिकल मिक्स नहीं है। अपने शैम्पूइंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ट्रेसमे का, यूज़ बाय प्रोफेशनल। दिस इज़ फॉर ड्राई एंड डल हेयर, जिनके बाल बहुत ही ड्राई, सूखे, डल हैं, चमक नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं पैंटीन यूज़ करती थी, बट पैंटीन वॉज बहुत अच्छा शैम्पू है, बट जब से मैंने ये ट्रेसमे यूज़ करना शुरू किया है, रियली आई फाउंड अ ग्रेट डिफरेंस। मेरे बालों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आया है। अगर सेम आप भी ऐसा फील करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपके साथ भी सेम हुआ है कि नहीं। आपको वैसा शैम्पू लेना चाहिए जो आपके बालों को सूट करे, जो आपके बालों में कुछ डिफरेंस लाए। ये ट्रेसमे का आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है अभी तक का मैंने जितने भी यूज़ किए हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वन। अगर आपके बाल थिन पतले हैं तो वॉल्यूम वाला शैम्पू यूज़ करिए, जो आपके बालों को वॉल्यूमनाइज करे। और अगर आपके बाल बहुत रफ ड्राई हैं तो ऐसा शैम्पू चूज़ करिए जो कि बहुत ही आपके बालों को मॉइस्चराइज करे और आपके बालों को स्मूथ, शाइनी बनाए, मैनेजेबल बनाए। ये जो शैम्पू है इसमें लिखा है फॉर ड्राई एंड डल हेयर एंड मॉइस्चर रिच। इसमें मॉइस्चर रिच है तो मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को, जिनके भी डल और ड्राई हेयर हैं। जब भी आप शैम्पू खरीदने जाएँ तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट चीज़ है, मैं सेमी ट्रेसमे का ही सेम, बहुत अच्छा होता है कि अगर आप सेमी ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर दोनों यूज़ कर रहे हैं तो उससे आई थिंक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ड्राई और रफ हो जाते हैं, इवन मेरी स्किन भी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये भी सिल्की स्मूथ है आपके बालों को, तो कंडीशनर है ये, सिल्की स्मूथ है। इसमें सिल्क प्रोटीन एंड आर्गन ऑयल है, इसमें सेलोन लाइक सिल्क फॉर ड्राई फ्रिजी प्रोन हेयर। जब भी आप मार्केट में शैम्पू खरीदने जाएं, आप पढ़ लीजिए कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, और उस तरह से आप शैम्पू या कंडीशनर खरीदिए। तो मैं ट्रेसमे का ही ये यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। रियली सिर्फ लिखा ही नहीं है, बट रियली मैंने डिफरेंस फील किया है यूज़ करने के बाद। तो आप भी कर सकते हैं, ट्राई करिए। अगर आपको डिफरेंस लगता है यूज़ करने के बाद तो ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा। आफ्टर वॉशिंग माय हेयर, या तो मैं ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ अपने बालों के सिर्फ एंड्स में, कि मेरे बाल ड्राई ना हो, सूखे ना और हाइड्रेट रहें। तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, बहुत सस्ता मिलता है पतंजलि के स्टोर्स में, और ये आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आई थिंक ये मल्टीपर्पज़ है आप फेस के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए, किसी
लेती हूँ कभी कभी, वो नहीं तो ये लिवॉन का सीरम आप लगा सकते हैं, लिवॉन का नहीं तो आप कोई भी दूसरे ब्रांड का सीरम ले सकते हैं। और बालों में क्या होता है, बाल धोने के बाद मॉइस्चराइज करने के बाद स्टिल अगर आप, कुछ लोगों के बाल सिल्की स्मूथ होते हैं लेकिन जिन लोगों के बाल बहुत ड्राई और तो उन्हें हमेशा हाइड्रेट करते रहना चाहिए अपने बालों को, तो उसके लिए सेरम इज़ द बेस्ट। और आफ्टर, और ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा लगता है आपको, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं और रब करके सिर्फ लगा लेना। रियली बहुत डिफरेंस और शाइन फील किया है, और शायद आपने भी मेरे कुछ वीडियोज़ में देखा होगा, क्योंकि मेरे जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा उलझने वाले थे तो उनको डिटैंगल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने जब से उनको स्ट्रेट करना शुरू किया है और जब से मैंने ये वाला लीव ऑन स्प्रे है, ये हीट प्रोटेक्टेंट है, बचाता है हीट से, मैं ये लगाती हूँ और उसके बाद मैं उनको स्ट्रेट करती हूँ, उसके बाद जो मेरे बालों में जो शाइन आता है और ग्लो आता है, मैंने ऐसा और कभी नहीं नोटिस नहीं किया है। आई डोंट नो, ये आवन ऑयल का है और ये हीट डिफेंस लीव इन स्प्रे है विद मोरोकन। मैंने बहुत ऑनलाइन साइट में देखा लेकिन नहीं मिला ये, क्योंकि मैं आयरलैंड में हूँ तो यहाँ मिलता है। मैंने इंडियन स्टोर में भी मैं ढूंढूंगी जाके, ये मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी और आप ये ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन चेक किया, मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, बट पता नहीं है ये मुझे इंडिया में मिलेगा कि नहीं, बट आई विल रियली मिस दिस। ये इतना अच्छा स्प्रे है, मैंने जब भी इसको स्प्रे करके मैंने अपने बालों में बाल स्प्रे किए हैं उसके बाद मेरे बालों में जो शाइन आया है मैं आपको बता नहीं सकती। ये उसका इस चीज़ का चमत्कार है। जब भी कभी भी आप अपने बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं एक हीट डिफेंस ज़रूर लगाइए, उससे बाल प्रोटेक्ट रहते हैं, आपके बाल ख़राब नहीं होते हैं और एट द सेम टाइम आपके बाल स्ट्रेट और स्टाइल भी हो जाते हैं और बाल ख़राब भी नहीं होते। तो ये फ़ायदा है ये लीव इन स्प्रे का और हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे का। पहले मैं यूज़ नहीं करती थी बट 2-3 साल से मैंने हेयर मास्क लगाना शुरू किया है। और हेयर मास्क आप कोई भी ऑनलाइन साइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, आपके जो बालों की सेम शैम्पू जैसा आप जो आपको चाहिए वैसा आपको हाइड्रेटिंग आपका मास्क होना चाहिए। तो ये तो मैंने यहाँ पे ख़रीदा है लॉरेल का L5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल है इसमें विद 6 माइक्रो फ्लावर ऑयल्स और नरिशिंग मास्क बाम है ये, नरिश हेयर एंड स्कैल्प, एंड ये सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर ड्राई हेयर है, जिनके बाल बहुत ड्राई हैं उनके लिए है। वंस और ट्वाइस अ मंथ हेयर मास्क ज़रूर लगाएं बालों में, उससे बहुत डिफरेंस आता है। बालों में इतनी मेहनत करने के बाद आप ज़रूर डिफरेंस नोटिस करेंगे, क्योंकि मैंने किया है, मैंने बहुत सालों से, 3 साल से मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, मैंने डिफरेंस नोटिस किया है मेरे हेयर ग्रोथ में भी। मैं आपको अपनी पहली फ़ोटोज़ दिखाऊंगी जिसमें मेरे बाल छोटे रहते थे, मैं बाल कटा देती थी क्योंकि मैनेज करना मुश्किल होता था। 2 ईयर्स से मैंने अपने बाल लंबे कर लिए हैं और इवन बहुत अच्छा डिफरेंस नोटिस किया है मैंने, क्योंकि मैं इतने केयर करना शुरू किया। तो मेन थिंग है, हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी क्यों ना हो, आपके बाल क्यों ना हो, हर चीज़ का मेंटेनेंस और केयर की ज़रूरत होती है। तो आप जब केयर करेंगे तो आप डिफरेंस ज़रूर नोटिस करेंगे। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, उलझते हैं, तो ज़रूर आप दिन में 2 बार आप कोम करिए, कंघी करिए, एक तो आप मॉर्निंग में करिए और एक सोने से पहले करिए, 2 टाइम करिए, आप देखना ज़रूर डिफरेंस नोटिस करेंगे। और जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो उस समय मैं हीना यूज़ करती थी, मेहंदी अपने बालों में लगाती थी। हीना लगाएंगे, हीना जो होता है उसके 3 फायदे होते हैं, एक तो वो आपके बालों को बहुत अच्छा कलर देता है, दूसरा वो आपके बालों को, वो एज अ कंडीशनर होता है जो बहुत ही पुराने लोग भी यूज़ करते, वो कंडीशनर के लिए ऐसा यूज़ करते थे, तो वो बालों को कंडीशन करता है और उसके साथ ही आपके बालों को वो थिक और मोटा बनाता है। तो हीना यूज़ करने के ये 3 फायदे, जिनके भी पतले कमज़ोर बाल हैं वो हीना लगाना शुरू करें। और जो लोग एग खाते हैं या फिर एग से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो वो हीना में एग डाल के भी लगा सकते हैं। और जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं और बहुत उलझते हैं, मैनेजेबल नहीं है, वो मास्क लगाना शुरू करें, कोई भी हाइड्रेटिंग मास्क, जो कि इस तरह का कोई भी मास्क जो कि आपके बालों को बहुत नरिश करे, हाइड्रेट कर दे। बस दैट्स इट, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ चीज़ें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं आपको कोई भी। ये मेरा पूरा रूटीन था हेयर का, हेयर केयर और हेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल एंड टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो
एवरीवन।